प्यारे बच्चों, टीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसे चैप्टर की वीडियो लेकर आया हूं जो चैप्टर आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो इसे स्टार्ट करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीपी यानी कि एसपी यानी कि प्रॉफिट यानी लॉस, ये क्या क्या होता है पहले इनको समझेंगे। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसे कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी सीपी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अगर हम दुकानदार की ही बात करें तो हम कह सकते हैं जिस कीमत पर दुकानदार वस्तु को बेच देता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, लाभ, प्रॉफिट यानी कि लाभ। प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं। अब प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर लाता है और उससे उस वस्तु को उससे अधिक दाम पर बेच देता है, जितना वो अधिक पर बेचता है वही उसको लाभ होता है। तो देखिए लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। यानी कि मान लेते हैं एक व्यक्ति एक वस्तु लाया 100 रुपये में, ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 हो गया। अब वही वस्तु उस दुकानदार ने किसी और को यानी ग्राहक को 150 रुपये की बेच दी, ठीक है, तो घटाने पर जो आएगा यानी कि 50 जो आएगा वो हमारा लाभ कहलाएगा, प्रॉफिट यानी कि गेन कहलाएगा। अब लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस मतलब होती है हानि। हानि क्या है? सेम उसी तरीके से है, पहले मैं इसका आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ सीपी माइनस एसपी। उसी तरीके से मान लो एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपये की खरीद कर लाता है तो सीपी हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, और उस वस्तु को वो 80 रुपये में बेच देता है तो 80 रुपये में बेचने पर वो वस्तु पर उसे 20 रुपये का घाटा हुआ यानी कि लॉस हुआ, हानि हुई। तो यानी कि जो 20 रुपये हुई ये हानि हो गई। ठीक है, तो आपको ये चार चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ, समझिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपसे कहा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले देखिए लाभ हुआ कितना, उसके बाद लाभ को हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर देखते हैं, क्रय मूल्य और गुणे 100। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये परसेंटेज निकालना सिखाया था 100 से गुणा क्योंकि यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा इस फॉर्मूले से। हम इसी में मान लेते हैं यानी कि 50 रुपये का लाभ हुआ था उसको और क्रय मूल्य था उसका 100, तो कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, लाभ हुआ 50% का लाभ हुआ उसको। अगला इसमें देखते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है इसका, हानि लिखेंगे हम और क्रय मूल्य यानी कि सीपी और गुणे 100। हानि हुई है 20 रुपये की, खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है, तो हानि हो गई हमें 20% की। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक सीखा है अभी हमने और इसी के बेसिस पर हम सवाल को करेंगे। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस और ये हमारे इस चैप्टर की सबसे पहला टाइप है
पहला टाइप सीखेंगे और पहले टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर टाइप बाय टाइप मैं सारे क्वेश्चंस को कराता रहूंगा और फिर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग ए फैन फॉर 600 मैन लॉसेस 10% टू मेक ए गेन ऑफ 20% व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। तो उसमें बताया गया है कि एक फैन को 600 रुपये में जब बेचते हैं, सेलिंग प्राइस जब होता है 600 रुपये में जब बेचते हैं, तो उस आदमी को 10% की हानि होती है। ठीक है, अगर एक आदमी उसे 600 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस व्यक्ति को उस फैन को कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा ताकि उसे 20% का फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी ये समझना, आप 10% लॉस पर बेचता है और 600 का बेचता है, 10% लॉस और 600 का बेचता है, तो यानी जो 600 है हमारा वो होगा 90%, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में यानी परसेंटेज वाले चैप्टर्स में बताया था कि ओवरऑल एक यूनिट को हम 100% मानते हैं, 10% का लॉस हो गया तो यानी 90% है ना 600, तो 90% है तो 90% नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो भी ये होता है वो नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो इसका 100% निकालेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे सॉल्व करने पर आएगा 100%, यानी कि वो वस्तु थी कितने की, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना है कि 20% फायदे में बिके तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 20% एक्स्ट्रा करके यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व, यानी कि 120 करना पड़ेगा। ऐसे समझना क्या कर रहे हैं, ये 90 था तो 90 किया। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ऊपर, इधर 100 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो सॉल्व करेंगे हम, तो यानी कि अब आ जाएगी उसकी वस्तु, यानी 100% जो जितने की खरीदी गई थी वो आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है एसपी, तो ये जो पूरी वैल्यू 100% बन जाएगी। ठीक है, अब उसको 20% प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 120% निकालेंगे, तब जाकर हमारा प्रॉफिट 20% के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं बस, इससे डायरेक्ट ये कटेगा और इससे ये कट गया, 3 से काटेंगे तो 3, यहाँ पर 4, 3 से काटेंगे तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, या थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, आपको प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें और समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में आप जरूर लिखें जो भी प्रॉब्लम आए, सिखाना जरूरी है हमें, आपको जरूर सिखाएंगे हम आपको। तो आप देखिए इसे, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 1140 यानी 1140 रुपये में एक टेबल बेचने पर एक आदमी को 5% की हानि होती है, लॉस होता है। In order to gain 5%, the table must be sold for. यानी कि 5% का फ़ायदा करने के लिए टेबल की क्या कीमत होगी, टेबल को क्या कितने पे बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी। समझ लीजिए, एक आदमी 1140 का बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, और अगर 5% फ़ायदा करना चाहे तो उसे कितने में बेचनी होगी वो टेबल। तो सिंपल उसी तरीके से 1140 की थी और 5% का लॉस हो गया था, तो ये 95% था, 100 रखेंगे ऊपर, हमें निकालना है 5% गेन, तो यानी कि 100 में जोड़ेंगे 5, यानी कि 105 हो जाएगा, और नीचे 100 इससे कटेगा, 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, 5 से काटेंगे तो 21, 19 से कटेगा 60, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 616 और 612, यानी कि 1260 रुपये में बेचनी पड़ेगी वो टेबल हमको, तब जाकर हमको फ़ायदा होगा 5% का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कुछ और भी देता हूँ करने के लिए, आप कीजिए, आप करके देखिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, बाकी इसके जो और अदर टाइप्स हैं वो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये करते रहिए, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।